दोस्तों सेंट्रल बैंक का पासबुक या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने के लिए घर बैठे किस तरह रजिस्टर्ड करें जो है नया अपडेट के बाद, यानी कि अपडेट किया गया है ऐप सभी को, जितना भी सेंट्रल बैंक का ऐप था मोबाइल बैंकिंग से लेकर सभी। तो मोबाइल बैंकिंग वाला अगर रजिस्टर्ड वाला वीडियो दिखना है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी आसानी से रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो सिंपली हम इसे ओपन करेंगे। इस ऐप को ओपन करते के साथ कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ कस्टमर आईडी, यानी कि कस्टमर आईडी मतलब होता है आपका सीआईएफ नंबर, जो भी आपका सीआईएफ नंबर होगा नया पासबुक में प्रिंट रहता है, आप वहाँ से लिख सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीआईएफ नंबर काफ़ी आसानी से मिल जाता है सेंट्रल बैंक के आपका। लेकिन फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, विदाउट फ़ोन नंबर अगर रजिस्टर्ड नहीं है ये आपका नहीं लिखेगा। वैसे अभी तो फ़ोन नंबर एक्चुअली रजिस्टर्ड ही रहता है। तो चलिए कस्टमर आईडी हम लिख लेते हैं यहाँ। तो ये सभी डिटेल लिखने के बाद नीचे आपका फ़ोन नंबर लिख देना है जो भी बैंक में रजिस्टर्ड है। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते के साथ यहाँ जो है ओटीपी आएगा। मान लीजिए किसी कारणवश ओटीपी नहीं आता है, रीजनरेट कर सकते हैं आप ओटीपी। तो हमारा ओटीपी आ चुका है, ये देख सकते हैं 3676 3676 61। ये ऑटो वेरीफाई कर लिया। और यहाँ जो है हमें एम पिन सेट करने के लिए कहा जा रहा है, कोई भी एम पिन आप सेट करके सिंपली ये एम पिन हैज़ बिन अपडेटेड सक्सेसफुली, योर रजिस्टर्ड इज कम्प्लीट। हमारा रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो चुका है, सिंपली हम इसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ 4 डिजिट का जो पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को हमें देके लॉगिन कर लेना है। और ये देख सकते हैं हमारा अकाउंट डिटेल, पासबुक पे क्लिक करना है। पासबुक पे क्लिक करने के साथ अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका अकाउंट रहेगा। उसके बाद जो भी आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है देख सकते हैं, यहाँ लोड ऑल ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे, आपका पुराना डिटेल 3 मंथ तक का यहाँ डिटेल आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। आई होप आपकी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।